विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र भारत की अध्यक्षता में 21 से 31 जुलाई तक होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें देश विदेश के 3,200 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में विश्व भर की 1,199 धरोहरों की ऑडिट की जाएगी। भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक होना सुनिश्चित हुआ। बहुत बड़ी चुनौती थी कि केवल इस 40 दिन के कालखंड में हमें एक बड़ा आयोजन करना था जिसमें देश दुनिया के लगभग 3,200 से ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे, दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित होंगे, 30 से ज़्यादा देशों के मंत्री उसमें उपस्थित होंगे, जो टेक्निकल लोग उसमें उपस्थित होंगे, और इसके साथ साथ में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और डीजी यूनेस्को दोनों की उपस्थिति में उसका उद्घाटन होगा। और ये आयोजन जो है, ये बैठक 10 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें विश्व की धरोहर के रूप में जो मान्यता प्राप्त 1,199 साइट्स हैं उनका एक बार वापस री ऑडिट तो हो गई, और साथ साथ में विभिन्न देशों ने जो प्रविष्टियाँ इस साल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के डिक्लेयर करने के लिए भेजी हैं उन पर भी विचार होगा। भारत के लिए निश्चित रूप से एक तरफ तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत की प्रविष्टि पर भी इस पर विचार होगा, भारत में एक और नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी,